अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन रविवार को जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, महानगर संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह, महानगर मंत्री नवनीत शर्मा, सामाजिक अनुभूति के महानगर संयोजक हर्षवर्धन सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र दर्शन पर चर्चा की। कार्यशाला के दौरान परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने परिषद के सदस्यों को ग्रामीण जीवन दर्शन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी तय की गई। और बताइए, मिशन से जोड़ दिया, इस मिशन को भी क्यों जोड़ा, इसके लिए को भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि गांव की में शौचालयों की बड़ी दुर्दशा थी और थैली नहीं, ज्यादातर लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था, जिसमें महिलाओं की बच्चों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती थी और वो एक तो समाज के लोग लाज के भय से वो हर वक्त उनकी जरूरत है तो भी वो जा नहीं सकती थी, रात के अंधेरे में जाने में तमाम तरह का शिकार होना पड़ जाता था, जानवरों का काट लेने का किसी के, तमाम तरह का डर असुरक्षा की भावना होती थी और अगर तबीयत खराब हुई तो फिर परेशानी ही परेशानी। तो ऐसे में स्वच्छ और गंदगी जो हमारे चारों तरफ फैली एक बहुत बड़ा मुद्दा, इतना तो अंतर स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आया कि आप गांव के करीब पहुंचिए तो जो पहले पहुंचते ही नाक बंद करनी पड़ती थी वो चीजें थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन इसका प्रत्यक्ष हमें देखना पड़ेगा कि गांव में वास्तव में स्थिति कैसी है, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है वो वहां पे किस तरह से शौचालय सारे घरों के बीच बने कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना पड़ेगा। पेयजल की वहां पे क्या व्यवस्था है, पेयजल उनको उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो आज भी हैंडपंप का पानी पी रहे हैं और हैंडपंप भी वहाँ बहुत गहराई में नहीं खोदा जाता है, 15-20 फीट की गहराई पे खोद दिया जाता है जिसकी वजह से एकदम जंग लगा पानी पीते हैं। आज जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी है ना वो भी ये वाटर बॉर्न हो गई है, नालियों के पास आस पास की वजह से हो गई है और ये इसकी वजह से इस पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अब साइंटिफिक तरीके से नहीं रह गया, हम बहुत तमाम जो इतना गुलामी का कालखंड था उसकी वजह से गरीब गरीब होते चले गए और अमीर अमीर होते चले, खाई पड़ती चली गई। आज भी आप ऐसे ऐसे गांव हैं आप वहां जाइए और देखिए तो लगता है कि बिल्कुल आदि काल की तरह से लोग रह रहे हैं, आदि काल में जैसे फिर खा लेते हैं, कहीं सो जाते हैं, टूटी खाट है, तमाम कुछ बदला नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है कि शहरों का इतना आधुनिकीकरण हुआ लेकिन गांव क्यों हमारे छूटे रह गए। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा और बिजली की स्थिति क्या है ये भी आप अपने उस योजना में रखिएगा। और बताइए आप लोगों को कुछ क्या लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि आसपास के सभी लोग सुबह शहरों चले आते हैं, सारा काम करके गाँव में चले जाते हैं, इसलिए जब हम शहर शहर के गाँव में की तरफ देखेंगे उसकी तमाम व्यवस्थाएं एम्बुलेंस की हो, बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, दूध का हो, हर तरह की व्यवस्थाएं बहुत डगमगी सी हो गई है। हमको जाकर अनुभूति करते हैं कि किस तरह लोग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए शहर में चले जाते हैं और गांव में वो क्यों नहीं रुक पाते हैं, स्थानीय समस्याओं को उनको ध्यान रखते हुए उसके अनुभूति लेने के बाद उस समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। ये सभी अनुभूति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, सभी को देखना है कि जीवन उनका कैसा रहेगा, कि 2-4 दिन वो गांव में जाके रहें और कम से कम 30-40 गांव अपने उसमें कवर करें, इस तरह का उनका उनसे अनुरोध है। और छात्राओं का क्या है कि अगर वो रात में रुक सकती हैं, भूख में हैं तो रुके और नहीं आना चाहें साधन हो तो वो आ भी सकती हैं, छात्राओं के लिए इस तरह का है, शिक्षक कार्यकर्ताओं के लिए कि अपने साधन से जाएं और आ जाएं। अनुभूति सबको करना है, सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम इस बार सभी को करना है। तो छात्राओं की क्या व्यवस्था है, छात्राओं में कोई आपका बनाया नहीं गया है, टोली नहीं बनाई गई है, बनी है, कौन है उसका बताइए, बोलिए टोली प्रभु कौन है, नहीं वो छात्र संस्थान बनाए हैं, कौन आप दो लोग हैं, आप ये अलग टोली के हैं, आप अलग टोली के हैं,
और कहाँ आपका तय हुआ है जाना? अच्छा, संपर्क कर लिए कुसुम, आप भी संपर्क में रहिए, प्रसारक का दायित्व है ना आपका, छात्राओं से संपर्क में रहिए। क्यों? ठीक है, बैठ जाइए। जुड़ गया है, लेकिन वो सब गांव भी अब सुने हो गए, गांव में लोग रह नहीं रहे, सबको आज शहरों की तरफ पलायन बहुत जबरदस्त हुआ है। और योजना में आपको क्या क्या करना है बताइए, योजना में वित्तीय प्रबंधन आप कैसे कर रहे हैं आने जाने का? अपनी अपनी सुविधा उससे जाएंगे, क्यों आप अपने अपने का अपना अपना प्रबंध करके वहाँ जाएंगे और जो सुविधा आपको गांव में मिलेगी आप उन्हीं सुविधाओं के साथ वहाँ रहेंगे।